अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे जी। मैं आपका अपना भाई हसन लारी और आप मेरे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मौसम माशाल्लाह चेंज हो चुका है। अब आपको पता है कि गर्मी आने वाली है और सर्दियों का मौसम ख़त्म हो चुका है। तो काफ़ी सारी मेरी जो बड़ी मुर्गियाँ माशाल्लाह वो अंडे देना शुरू हो चुकी हैं और इस टाइम अंडे की रेशो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि मेरे इस टाइम माशाल्लाह 5 पेयर हैं जो अंडे दे रही हैं। डेली के 5 एग्स आते हैं, तो वो तकरीबन अभी भी मेरे पास कोई 25-30 अंडे हो चुके हैं। तो कल मैंने अपने दोस्त को भी कॉल की थी कि मैंने कहा यार, कोई पहले मैं मशीन में रखता था अंडे, उसमें एक प्रॉब्लम आती है, एक बच्चे पालने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि आपको उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अब मैंने कहा कि चलो मुर्गी बिठा के देखते हैं, क्योंकि पहले मैं मुर्गियाँ बिठाता था, उससे ये होता था कि मुर्गी खुद ही बच्चे पालती थी, उससे आपको केयर भी करनी पड़ती थी। जैसे अगर मौसम ठंडा हो तो बल्ब जलाना, वो इससे ज़रा बचत हो जाती है। तो मैं आपको पेयर भी दिखाता हूँ जिन्होंने जो माशाल्लाह अंडे उतार रहे हैं, और साथ आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह अंडे की रेशो कितनी हो चुकी है जी। माशाल्लाह इस टाइम मैं आ गया हूँ अपने बड़े पेयर के पास, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बड़ा पेयर, पहले रोशनदान आप देखें, उनके ऊपर मैंने कवर किया हुआ था। अब मैंने रोशनदान से आगे से चीज़ें हटा दी ताकि हवा क्रॉसिंग होती रहे। और ले जी माशाल्लाह जी, मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया पहला, ये देखें अभी अंडे के ऊपर खड़ी है। क्या करें माशाल्लाह, ये मुर्गी मेरी ने भी अंडा दिया है। और ये देखें जी, आप माशाल्लाह पेयर का भी साथ शौक कर लें। ये जी प्योर मदारी पेयर लगाया मैंने माशाल्लाह। और ये तकरीबन पट्ठा है तकरीबन इस टाइम 12 से 13 मंथ का। और ये मेरी बड़ी मादी है 2.5-1 साल की माशाल्लाह। ये अंडा इसने दे दिया, अंडा भी उठा लेते हैं साथ साथ। भाई ये पकड़ लेना आप, भैया आप माशाल्लाह पेयर का शौक करें। जी माशाल्लाह जी, ये देखें जी स्थाई मादी है मेरी। और ये मैंने अपना मियाँ वाली का पाकिस्तानी मेल लगाया इसके साथ। ये बेसिकली मेरे भाई का शौक है, उसे ये मियाँ वाली बहुत पसंद है, तो उसने ये मादी एक लगाई थी स्पेशल अंडे लेने के लिए। ये भी अंडे दे दिए माशाल्लाह, ये देखें, ये इंशाल्लाह अंडे देगी। तो इंशाल्लाह इस मुर्गे का माशाल्लाह 3-4 सीज़न से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है बच्चों में, और बहुत ही मियारी बच्चे बनाते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी में। इस बार उसने कहा कि मैंने थाई मादी लगा के देखनी है, मैंने कहा चलें भाई मादी लगा के चेक कर लें। अब ये देखें जी, इसने थाई मादी लगाई हुई है ये पाकिस्तानी मेल के साथ माशाल्लाह। आप इसकी नलियाँ देखें, फुल चौरस नलियाँ इसकी, इसके साथ लगी हुई है माशाल्लाह। आप पेयर का शौक करें माशाल्लाह। चला ये तीसरा पेयर है, ये भी अंडा इन्होंने भी देना माशाल्लाह। ये भी दे चुके हैं अंडा, क्योंकि ये तकरीबन 7-8 बजे के करीब अंडा दे देते मेरी सारी मादियाँ जी माशाल्लाह। ये देखें, ये बड़ा पकोया पट्टा है मेरे घर का, और ये माशाल्लाह इस टाइम फुल लेस है। ये इसके साथ पकोए मादी लगाई हुई है मैंने प्योर हालत में। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी अंडा भी दे चुकी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये बर्मी मुर्गा है मेरा प्योर हालत में। इसके साथ मैंने ये जयपुरी शामू और मदारी की पट्टी लगाई है। आप पट्टी और नार का शौक करें माशाल्लाह। ये देखिए ये पकड़ो। अब आ जाओ जी अगले केज के पास। ये माशाल्लाह जी, मेरे पकोए ने भी अंडा दे दिया अल्लाह के हुक्म से। ये देखिए जी, जयपुरी शामू पट्टा लगाया मैंने इसके साथ, और बंदर पकोए मादी लगाई है। और ये देखिए, ये इनके साइज है अंडे का, क्या कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, जैपनीज पट्ठा है प्योर हालत में। इसी से पकोए मादी लगाई है मैंने। और ये देखें जी, आज वहाँ मुर्गियों मेरे ने 5 अंडे आ चुके हैं मुझे आज के दिन में। और डेली माशाल्लाह कभी 4 कभी 5 आते रहते, कभी एक आधी कोई मादी बीच में से अंडा नहीं देती। बाकी 3-4 मादियाँ मेरी 4 मादी रेगुलर देती हैं। बड़ी मादियाँ कुछ बीच में से अभी क्रॉस होना शुरू हो रही हैं, कुछ माशाल्लाह अंडे देना शुरू हो चुकी हैं। और कई भाई कहते हैं कि भाई माशाल्लाह अंडे मादियाँ नहीं दे रही, तो उनको मैं चाहूँगा कि कैवियॉन का कैप्सूल 7-2 मच्छी के कैप्सूल ऐड करें, ताकि वो अंदर से विटामिन उनको पूरे हों। इंशाल्लाह अंडे देना शुरू हो चुके हैं। बाकी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।